जिस दिन आपने खुलकर अपनी जिंदगी जी ली ना दोस्तों, बस वही आपके लिए त्यौहार है, बाकी सब कैलेंडर की डेट्स है। मन सो जातक। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि के लिए बहुत ज्यादा विशेष आपके सुझाव द्वारा बनाया गया है। दोस्तों वर्ष 2023 बस समाप्त होने वाला है और वर्ष 2024 आ रहा है और सब बहुत जानने के लिए इच्छुक होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं कि आने वाला जो वर्ष है, जो आने वाला साल है, वो हमारे लिए कैसा रहेगा, क्या नए बदलाव लेकर आएगा, क्या नेगेटिव पॉजिटिव होगा हमारे आने वाले समय पे। आज हम दोस्तों जानेंगे कि वर्ष 2024 साल 2024 की 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यानी कि 6 घटनाओं के बारे में जानेंगे कि वो आपके जीवन में होकर रहेंगी आपकी राशि के अनुसार और वो क्या है, ये आज हम विशेष चर्चा करेंगे साल 2024 के बारे में और कौन से समय पर, ये भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आप सभी कर्क राशि वाले व्यक्तियों को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं कामना करता हूं अपने इष्ट देव से कि आपके जो भी इच्छाएं, आपकी जो भी डिजायर्स हैं, इष्ट देव वो सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी करें। चलिए अब करते हैं शुरुआत साल 2024 की 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, आखिर वो कौन सी है। ये कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है दोस्तों, और अगर अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श करवाना चाहते हैं आप तो नंबर सिर्फ चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कोई भी अगर आपके कमेंट्स में रिप्लाई करता है तो चेक कर लीजिएगा, पहले वो स्कैम होते हैं। चलिए अब करते हैं शुरुआत साल 2024 6 महत्वपूर्ण घटनाएं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ग्रहों का कुछ ट्रांजिट बता देता हूं 2024 में। शनिदेव आपकी राशि से 8th हाउस में रहेंगे, अष्टम भाव में पूरे साल, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। राहु आपके 9th हाउस में रहेंगे पूरे साल, राहु का भी कोई परिवर्तन नहीं है। देव गुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में रहेंगे, आपके दसम स्थान में रहेंगे और मई 2024 में 11th हाउस में प्रवेश करेंगे, परिवर्तन करेंगे। और वहीं केतु आपके 3rd हाउस में रहेंगे विराजमान होंगे। और वहीं शुरुआती समय पे सूर्य मंगल बुध आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे। सबसे पहली भविष्यवाणी दोस्तों यह है कि 5 फरवरी से लगाकर 15 मार्च तक जो मंगल ग्रह हैं वो आपके 7th हाउस में उच्च के हो जाएंगे, यानी कि मकर राशि में एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च का जो समय रहेगा वो आपके शिक्षा यानी कि आपकी पढ़ाई को लेकर अति उत्तम रहेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला रहेगा। और 10th लॉर्ड भी है मंगल, 10th लॉर्ड भी मंगल है और देखा जाए तो मंगल यहां पर 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, 5th लॉर्ड है, पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। इस समय पर आपके व्यापार को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, मंगल उच्च के हो जाएंगे तो कहने का आपके साहस को, आपके स्टैमिना को, आपके एनर्जी लेवल को मंगल ग्रह यहां पर जरूर बढ़ाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर आपको देंगे मंगल जब एग्जॉल्टेड हो जाएंगे 7th हाउस पे। बस हाँ, 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है क्योंकि चंद्रमा पे दृष्टि पड़ेगी तो एंगर इश्यू भी आपको यहां पर मंगल ग्रह देंगे, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट उस टाइम पे आपको मंगल ग्रह देंगे। सेकंड महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दोस्तों यह है कि शनिदेव, कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि शनि की 7.5 चल रही है और शनि की ढैया चल रही है, और बिल्कुल चल रही है, 2024 में भी आपकी शनि की ढैया रहेगी, मार्च 2025 तक रहेगी। शनिदेव आपके 8th हाउस में है और जुलाई में शनिदेव हो जाएंगे वक्री, ठीक है। देखो दोस्तों, जुलाई से पहले पहले शनिदेव अपने घर में है, यहां पर आपको ऑकल्ट नॉलेज देंगे 2024 में, ऑकल्ट नॉलेज दे सकते हैं, डीप नॉलेज दे सकते हैं, कहीं पर आपको उच्च शिक्षा यहां पर आप अगर आप करना चाहते हैं तो शनिदेव यहां पर आपको उच्च शिक्षा भी दे सकते हैं। लोहे से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड शनिदेव आपको 2024 में फायदा दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने बोन्स, आपको अपने बैक पेन का इशू हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनिदेव 8th हाउस में है और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के हैं, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के हैं, शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठे हैं, तो शनिदेव यहां पर आपको थकान देंगे, आपको यहां पर आलस्य देंगे, आपको गैर परंपरावादी कार्य करवा सकते हैं, नशीली चीजों का सेवन भी करवा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप 2024 में। और शनिदेव जब वक्री हो जाएंगे जुलाई 2024 में तो 7th हाउस का रिजल्ट देंगे, यानी कि जुलाई 2024 से पूरे साल रिश्ते की बात फाइनल हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, विवाह के योग बन सकते हैं जुलाई 2024 से लगाकर। तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दोस्तों यह है कि राहु देव,
राहु आपके नाइन्थ हाउस भाग्य स्थान में ट्रांसिट करेंगे पूरे साल 2024 में। भाग्य स्थान में राहु का ट्रांसिट अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है शास्त्र में कि नाइन्थ हाउस में राहु पितृ दोष का निर्माण कर देते हैं। राहु नाइन्थ हाउस में, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि 2024 में कोई भी बहुत बड़ा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो राहु देव नाइन्थ हाउस में ट्रांसिट करेंगे पूरे साल, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं, लॉस हो सकता है, पहली बता रहा हूं आपको। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूर रहे इस साल, ठीक है। कोई भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी आप पैसा लगाना चाहते हैं, लॉटरी में, सट्टा में, जुआ में, आप वहां पे डाउन हो सकते हैं, लॉस हो सकता है, तो ये आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि राहु पूरे साल आपके भाग्य में रहेंगे। राहु भाग्य स्थान में रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत ये पिता के साथ में भी विच्छेद करवाने की कोशिश करते हैं, फादर के साथ में थोड़ा सा मतभेद करवाते हैं, वैचारिक मतभेद या फिर आर्ग्यूमेंट करवा देते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखकर आपको चलना होगा वर्ष 2024 में। और चौथी महत्वपूर्ण घटना दोस्तों ये है, मंगल ग्रह 16 मार्च से लगाकर 25 अप्रैल तक आपके एट्थ हाउस में ट्रांसिट करेंगे, कुंभ राशि में शत्रु के घर में प्रवेश करेंगे। कब से कब तक? 16 मार्च से लगाकर 25 अप्रैल तक मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है। मंगल फिफ्थ लॉर्ड है और टेंथ लॉर्ड है। इस टाइम फ्रेम के बीच में आपको अपने लव रिलेशन पर ध्यान रखना है, परेशानी हो सकती है, या फिर आपको अपनी पढ़ाई में थोड़ी चिंता हो सकती है, आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको करियर में कुछ बदलाव की पॉसिबिलिटी बन रही है, आप परिवर्तन के योग आ सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है आपको, या फिर करियर में थोड़ा सा लोड और प्रेशर बढ़ सकता है इस टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत कमजोर रहेगी उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि ग्रह परिवर्तन करते रहते हैं और मंगल 45 दिन एक राशि पे रहते हैं, 16 मार्च से 25 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा। वही पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कर रहा हूं 2024 की, देव गुरु बृहस्पति आपके कहां पर ट्रांसिट कर रहे हैं? टेंथ हाउस में। कब तक? पूरे अप्रैल 2024 तक, फिर मई में आ जाएंगे आपके इलेवंथ हाउस में। दोस्तों गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, गुरु की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है 2024 में। टेंथ हाउस में गुरु हैं, उनके लिए विशेष अच्छी है, जो डॉक्यूमेंट का काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, काउंसलिंग कंसल्टिंग का काम करते हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फिर कोई वक्ता है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, एचआर में है, तो ये गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और खासकर मई से लगाकर तो बहुत अच्छा प्रमोशन हो सकता है इस आपको फील्ड में, आपको प्रमोशन हो सकता है। और मई 2024 में जब गुरु आपकी 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा देंगे, आपको इंक्रीजमेंट देंगे, प्रमोशन के योग बनाएंगे, फाइनेंशियल यहां पर आपको जो है ग्रोथ देंगे जब गुरु 11th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसफर से रिलेटेड, अगर आप टारगेट बेस्ड जॉब पे हैं तो अच्छा रहेगा, और अगर व्यापार भी करते हैं, अगर आप खुद का कोई बिजनेस करते हैं, तो गुरु की दृष्टि 7th हाउस में पड़ने से डेली इनकम में भी ग्रोथ मिलेगी आपको, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत माना जाता है। और छठी आखिरी भविष्यवाणी संतान पक्ष के लिए, गुरु की दृष्टि पंचम पे पड़ेगी, सप्तम पे पड़ेगी, और कहां पर पड़ेगी? थर्ड हाउस में पड़ेगी। दोस्तों मई से लगाकर जो व्यक्ति फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जमीन से जुड़कर काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ अगर पीएचडी या फिर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मई से पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी, और जिनके ब्रेकअप हो रखे थे या फिर वो सोच रहे थे कि पैचअप कब होगा, कब वापस से बातचीत होगी, कब वापस से अच्छी कनेक्टिविटी वाइब्स होगी, तो मई से लगाकर अच्छी हो सकती है। ट्रैवलिंग थोड़ी ज्यादा देखे जा सकते हैं मई से, शॉर्ट ट्रैवल हो सकते हैं आपके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्मॉल ट्रैवल्स हो सकते हैं मई से लगाकर, स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल देखे जा सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन काम कोई शुरू कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन सेल परचेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं आपके मई से, ठीक है। ये बताया दोस्तों छह महत्वपूर्ण घटना आपके बारे में, क्या उपाय करने चाहिए 2024 में आपको। हनुमान चालीसा डेली फॉलो करें, गुरु का बीज मंत्र डेली करें, ओम ग्राम ग्रीम क्रोम स गुरुवे नमः, मंगल का बीज मंत्र भी डेली फॉलो करें, ओम ग्राम ग्रीम क्रोम स भौमाय नमः, और सूर्य को अर्घ रोजाना दीजिए। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ, धन्यवाद।